स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्ट्रो टी में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो आइए जानते हैं, तो ये आइडिया है क्या? आप इसको बस ये समझिए, जैसे हम लोग सर्वर का इस्तेमाल करते हैं कोई भी इंटरनेट का फीचर इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेज़ॉन हो, हम लोग उस सर्वर में कंप्यूटेशन भी करेंगे। यानी कि जो आपका प्रोसेसर काम करता है, जैसे कि कोई भी चीज़ को आप प्रोसेस कर रहे हैं, उसको भी हम लोग सर्वर पर करेंगे। इसी को यही है आइडिया। और इस आइडिया को आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ऐसा समझिए, अभी करेंटली हम लोग का सर्वर का काम है डेटा स्टोरेज, उसको हम लोग डेटा प्रोसेसिंग भी डाल देंगे। और तो इससे आप बोलोगे ठीक है, फ़ायदा क्या होगा? फिर आप ये समझिए, आप कोई भी काम कहीं से भी कर पाएंगे और किसी भी डिवाइस से। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपका काम है मेनली आपको ईमेल चेक करते रहना है, ईमेल का रिप्लाई उप्लाई करना है, ये आपका काम है, तो आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के चलते, आप अपने लैपटॉप में कर सकते हैं, आप अपने टैबलेट में कर सकते हैं, अगर कीबोर्ड माउस लगता है तो आप अपने टीवी में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आप समझिए, कोई भी काम आप कहीं से भी कर पाएंगे। और ये सब के लिए गुड क्वालिटी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये तो हुआ आइडिया। तो इसको डिटेल में समझते हैं कि काम कैसे करता है। आप ये समझिए, आपको सबसे पहले तो ऑब्वियसली कंप्यूटर चाहिए और जो एप्लीकेशन सपोर्ट करता है, तो उसमें आप टेंशन मत लीजिए, लगभग सारा चीज़ करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से लेके, लिनस से लेके, एंड्रॉयड से लेके, गूगल क्रोम तक सब सपोर्ट करता है, उसमें तिकड़म नहीं लेना है। लेकिन सबसे बड़ा चोक पॉइंट इस सिस्टम का है, यानी कि जहाँ पे सब चीज़ स्लो हो जाता है, वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि आपका ISP, यानी कि BSNL, एयरटेल या जियो, यही है तिगड़म। इनको आपको सलटना पड़ेगा। अगर आपका ISP अच्छा है, यानी कि अच्छा सर्विस, अच्छा क्वालिटी, दोनों अलग अलग चीज़ में बता दूंगा क्या है, दे पाता है, तभी आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं तो सिर्फ अपना बाल बोंचते रहेंगे। और फिर आप ये समझिए कि ठीक है, आप इंटरनेट से, तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप पहुँच गए, कहाँ पहुँचे? तो जो रिमोट एंड है इसका, रिमोट एंड को आप ये समझिए कि जहाँ पे कंप्यूटर रखा जाएगा या सर्वर रखा जाएगा, या कभी कभी सुपर कंप्यूटर रखा जाता है। सुपर कंप्यूटर जनरली किसी के घर में तो नहीं रहता ना, तो सुपर कंप्यूटर में मतलब लोग काम करते हैं, तो यूनिवर्सिटी काम करते हैं, जरूरी नहीं कि उसी यूनिवर्सिटी में सुपर कंप्यूटर हो, रिमोट एंड से मॉनिटर किया जाता है और काम किया जाता है, तो वो भी चाहिए। तो ये है तीन तिकड़म, आपका जो रिमोट एंड है जहाँ पर आपका सर्वर और कंप्यूटेशनल यूनिट है, फिर आपका ISP जिससे ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर ISP के बाद आपका जो भी कंप्यूटर है, जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर सपोर्ट करना चाहिए। तो ये तिगड़म है, तो ये सब पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये लगभग सारा चीज काम करता है। तो फिर इस्तेमाल किस चीज के लिए करेंगे? ये सब चीज तो ठीक है, क्लाउड क्लाउड है, लेकिन आप इस्तेमाल किस चीज के लिए कीजिएगा? तो आप ये समझिए, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो लगभग सारा चीज के लिए, सिवाय प्रोग्रामिंग को छोड़ के। मतलब प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हैं अगर आपको रिमोट एंड एक्सेस दिया गया, लेकिन सिक्योरिटी के लिए नहीं दिया जाता है। तो जैसे आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जो कहते होंगे मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ या TCS में काम करता हूँ, उनको एक ID कार्ड दिया जाता होगा जिससे वो सिक्योरली लॉग इन करके एक एन्वायरमेंट के अंदर ही तिगड़म कर सकें, क्योंकि प्रोग्रामिंग आप समझिए आप बिगाड़ सकते हैं चीज़ को, तो इसीलिए प्रोग्रामिंग जनरली नहीं कहा जाता है, लेकिन आप कर सकते हो, मतलब आप अभी भी कर सकते हो सीखने के लिए, मतलब लर्निंग के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत हाई एंड का तिगड़म आपको नहीं छेड़ने दिया जाएगा। तो उसको हटा के लगभग 100% चीज कर सकता है। जैसे कि गूगल के तो ऐप्स के बारे में आपको पता ही है, गूगल के पास कैलेंडर है, जैसे मान लीजिए आप किसी के सेक्रेटरी हैं और आपका काम है कि आपका सब टाइम डेट वेट मैनेज करना है, गूगल कैलेंडर है बढ़िया से, आप तो पूरे कंपनी का मैनेजमेंट कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर इतना बढ़िया पावरफुल है। और ईमेल से लेके अकाउंटिंग तक तो आप आराम से अपने मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं, वो आज आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। फिर हैवी एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि 3D रेंडरिंग, आपको तो पता है 3D बनाने का तो हम लोग बना लेते हैं कुछ घंटे में, रेंडर करने में हाँ लग रहा है टाइम, अरे हो रहा है ना रेंडर, टेंशन मत लो ना। मतलब आपको एक एग्जांपल देना चाहें तो ये समझिए कि 220 घंटे लगता है एक फ्रेम को रेंडर करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सटेंशन में लगा था, मतलब एक फ्रेम के लिए 1 सेकंड में 24 फ्रेम होता है, समझ लीजिए कितना टाइम लगा। तो उसी हिसाब से देखिए कि उतना भारी काम भी कंप्यूटर क्लाउड में ही हुआ, यानी कि रिमोट एंड में, मतलब जिन्होंने काम कर रहे हैं वो लोकली नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरा कंप्यूटर मेरे पास नहीं है, वो वहाँ रिमोट एंड में है, वहाँ पर काम हो रहा है, मैं दूसरा काम कर सकता हूँ। फिर वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, तो वीडियो एडिटिंग में तो आपको काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होगा, तो आप गूगल यूट्यूब में तो मिलता ही आपको वीडियो एडिटिंग, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप लाइनस टेक टिप्स का देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अपनी छोटी कंपनी बनाई है और 4-5 लोगों का काम है वीडियो एडिटिंग करना, तो सर्वर बना लेना, एक महंगा तगड़ा कई लाख का सर्वर बना लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। बोले ऐसा कैसे हो गया भाई, उतना पैसा तो डूब गया। आप ये समझिए कि जब भी उतना सारा फाइल रखा जाता है, कोई भी कंप्यूटर स्लो हो जाएगा अगर उतना फाइल रखेंगे, सर्वर बनाया रहता है उस तरह का फाइल को हैंडल करेंगे, जहाँ 40-40 GB का एक एक फाइल हो आपका, वो सर्वर आराम से हैंडल कर लेगा, लेकिन आपका कंप्यूटर का बैंडविड्थ जाएगा।
अब प्लस उसमें डेटा रिडंडेंसी भी रहती है कि एक हार्ड डिस्क खराब हो गया तो डेटा नहीं उड़ेगा, आप अपने जब भी आपको फाइल को इनकोड करना यानी ट्रांसकोड करना ये सब जितनी कदम लगाया जाता है वो सर्वर आराम से करता रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं स्लो होगा। उस दरमियान आप या एडिट पिछले फाइल पे एडिटिंग कीजिए या कुछ अलग से रिसर्च जो करना है वो सब कर लीजिए, फिर जब बेक करना है यानी कि जो उसको फाइनल रेंडरिंग मारा जाता है वो सर्वर पर डाल दीजिए, तो इससे बहुत टाइम बचता है और आपके जो एडिटर्स हैं जो लोग काम कर रहे हैं उनका टाइम बचेगा क्योंकि उनका कंप्यूटर फ्रीज नहीं हो जाएगा कि हाँ भाई क्यों नहीं काम कर, अरे वो कंप्यूटर में रेंडर हो रहा है, होगा 6 घंटे बाद। तो समझिए कि सब चीज़ किया जा सकता है सिवाय थोड़ा मोड़ा प्रोग्रामिंग हटा के, लगभग सारा का सारा चीज़ किया जा सकता है। सो यूज़ केस तो मामले में तो आपको सोचना ही नहीं है। और ये सब सर्विस तो गूगल ऐप्स तो आपको फ्री में मिल जाता है, मतलब समझिए लोगों का जॉब होता है जिनका काम है कि ईमेल एड्रेस करो, ईमेल करो, तो आप सुनते होंगे ना माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, बहुत लोगों का काम है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को संभालना, उस तरह का काम आप इससे भी कर सकते हैं, तो तिकड़म सॉल्व हो गया है। तो प्रॉब्लम क्या है, जब ये इतना अच्छा चीज़ है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप ये समझिए कि दो जगह से आता है। सबसे पहला है कि आपका बैंडविथ और लेटेंसी। तो बैंडविथ को आप ये समझिए, आपका पाइप यानी जो इंटरनेट का पाइप है आपके पास वो कितना मोटा है यानी उसमें कितना पानी आता है या जाता है, तो उसको हम लोग नापते हैं मेगाबाइट पर सेकंड से। तो आपको एक आइडिया देने के लिए आप ये समझिए कि आप इंटरनेट पर बोलिएगा अरे 5 मेगाबाइट पर सेकंड है, 40 मेगाबाइट पर सेकंड है, ये बहुत है। बहुत किसके कंपेयर में? तो आपको एक रफ आइडिया देने के लिए आपका हार्ड ड्राइव करीब करीब मिनिमम 100 मेगाबाइट तक दे सकता है, यानी कि कैपिटल बी, जो स्मॉल बी नहीं कैपिटल बी देता है आपका हार्ड ड्राइव मिनिमम। और अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जो रैम का खूब इस्तेमाल करता है, रैम कई टेराबाइट पर सेकंड पे चलता है, मतलब आपके रैम और प्रोसेसर के बीच में इतना स्पीड का कम्युनिकेशन होता है, तो उतना स्पीड कम्युनिकेशन आप नेटवर्क से ला नहीं सकते कि नेटवर्क का बैंडविड्थ नहीं होता उतना। लेकिन आप समझ लीजिए कि आपको ये मत समझिए कि 25 Mbps तो बहुत हो गया या 100 Mbps बहुत हो गया, कुछ नहीं है। मतलब 100 Mbps मेरे पास था, 100 Mbps का कनेक्शन एक्ट का बैंगलोर में, और उसका लगभग हुआ सिर्फ 8 Mbps। हाँ मतलब अब लगता है पिक्चर डाउनलोड कर रहे हैं तो लगता है कि आप एक पुराना मतलब USB 2 हार्ड ड्राइव से कॉपी कर रहे हैं, इतना तेज़ हो गया। लेकिन आप समझ सकते हैं अगर मैं अपने SSD से करूँ तो तब तो सोच ही लीजिए। तो इसी कारण से बैंडविड्थ जो है बहुत चाहिए होता है। फिर बैंडविड्थ तो ठीक है, बैंडविड्थ का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ही जियो ने अपना खुद का ऑप्टिकल सिस्टम बिछा डाला बैंडविड्थ का समस्या खत्म। फिर आता है लेटेंसी, ये फाइनल समस्या है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसका आप 2 ऑप्टिकल फाइबर अपने घर में बिछवा लीजिए या 200 बिछवा लीजिए, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेटेंसी को आप ये समझिए कि जब आप सिग्नल भेजते हैं, कोई भी सिग्नल हो, चाहे वो कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हो चाहे ऑप्टिकल सिग्नल हो, आप भेज रहे हो अपने पास से, ठीक है जाओ, तो वो प्रकाशीय गति से ही चलेगा ना, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो सुनने में तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ठीक है चले, आपके कंप्यूटर से निकला सिग्नल निकला, सबसे पहले तो वो जाएगा मॉडम राउटर में, वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। जैसे जनरली ये होगा कि आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है कंप्यूटर से, मॉडम उसको ये करेगा ऑप्टिकल में कन्वर्ट करेगा, वहीं उसका लेटेंसी हो गया। फिर वहाँ से वो जाएगा दूसरे मतलब टावर तक पे जाएगा, जहाँ पे भी टावर है या जहाँ पे ऑप्टिकल का बस रखा गया है, वहाँ पे वो दोबारा एक कन्वर्टर से जाएगा, वो कन्वर्टर से डिले हो जाता है, फिर वो कन्वर्टर के बाद फिर वो दूसरे बस में जाएगा जो कि और बड़ा मोटा बस होगा, जहाँ पे मतलब सही पूरे शहर का जोड़ा जा रहा है, ऐसे ऐसे करते 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 तब जाके वो अंडर सी केबल में पहुँचेगा, मतलब अगर आपका सर्वर उतना दूर है तो अंडर सी केबल में जाएगा। फिर वो जैसे मान लीजिए आपने इंडिया से काम कर रहे हैं और आपका सर्वर बिछाया हुआ है चाइना में कहीं, तो अभी तक तो हम आपके घर से निकले और 4 बार स्टेप चेंज हुआ तब जाके आप ये अंडर सी में आए, और ये 4 स्टेप दोबारा लगेगा जब उसको अंडर सी केबल से वापस सर्वर तक जाना है। तो किलोमीटर अगर आप नापिएगा, प्रकाश की गति से भी चलिएगा तो भी बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब कुछ मिली सेकंड लग जाएगा। तब कहोगे मिली सेकंड तो उतनी बड़ी बात नहीं, आप ये सोचिए आप माउस हिलाइए और आधा मिली सेकंड बाद भी अगर आपका माउस हिला आपको लगने लगे लैग कर रहा है लैग कर रहा है लैग कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं काम आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। और ये तो मैंने आपको बेस्ट केस बताया, पहले आप ये समझिए कि जनरली हम लोग का प्रॉब्लम ये था कि ऑप्टिकल इंटरनेट हमेशा से था, ये सब जो अंडर सी केबल आपको मैं दिखा रहा हूँ ये जब से बिछाया गया था हमेशा से ऑप्टिकल था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास शुरू के दिन में ऑप्टिकल बिछा तो डाले ठीक है, लेकिन जो बूस्टर्स होते थे मतलब जिससे ऑप्टिकल सिग्नल को बढ़ाया या घटाया जाता था या एम्पलीफायर समझ लीजिए एम्पलीफायर जो होते थे वो इनडायरेक्ट होते थे, मतलब ऑप्टिकल सिग्नल आया उसको इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करते थे, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बूस्ट करते थे, फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक लेजर ड्राइवर चलाते थे जिससे ऑप्टिकल सिग्नल बना। तो समझिए आपका ऑप्टिकल केबल 1000 किलोमीटर में जितना लैग नहीं आएगा, वो सिर्फ वो बॉक्स में वो कन्वर्शन के चलते लैग ऐड हो जा रहा था।
तो अब रिसेंटली, मतलब रिसेंटली 20-30 साल समझ लीजिए, अब ऐसा होने लगा कि कन्वर्टर्स आ गए हैं ऐसे जिसमें क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे लाइट पल्स घुसता है वो एम्पलीफाई हो जाता है, मतलब आप लाइट को ना स्लो कर रहे हो ना आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, एकदम जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से निकल जाएगा, लेटेंसी एकदम निग्लिजिबल हो जाती है, तो आप बहुत हाई स्पीड से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तब आप ऐसे जगह पर आ जाते हैं कि हाँ अब मेरा ऑप्टिकल फाइबर ही लिमिट है, मतलब कितना किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर है। तो आप कई बार सुनते होंगे जब भी आप स्पीड टेस्ट करेंगे तो आपको देखते हो ना सर्वर कहाँ पे है, तो आप ध्यान देते होंगे कि जैसे मान लिया आपका सर्वर नेपाल में है तो बहुत तेज़ चलेगा, आपका सर्वर चाइना में स्लो हो जाएगा, थोड़ा रशिया में है तब तो जाइए। तो इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि मतलब हमारा लिमिट जो है लेटेंसी पे, बैंडविथ पे नहीं। बैंडविथ आपको कोई भी दे सकता है लेकिन लेटेंसी पे तिगड़म नहीं करोगे, क्योंकि अब सब आपको बताया मेरे को हर जगह आपको वो चाहिए होगा, मतलब ऑप्टिकल कन्वर्टर, ऑप्टिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्टर, जो कि बहुत महंगा आता है। फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ये जियो जिसके चलते सब लोग चल रहे हैं, ये वायरलेस है, ये मतलब समझिए कि आपका ऑप्टिकल आपके घर में जो जियो देने का कोशिश है उससे आप भले कर लें, लेकिन इससे मोबाइल टावर से तो आप नहीं होगा। हाँ आप अकाउंटिंग कर रहे हैं या कुछ हल्का फुल्का काम कर रहे हैं आराम से काम कीजिए, लेकिन आप कुछ हैवी करना चाहते हैं जैसे वीडियो एडिटिंग हो या रेंडरिंग हो, तब मतलब मॉडलिंग अगर आप करना चाह रहे हैं जिसमें आप माउस का फीडबैक देखना चाह रहे हो, वो पागल हो जाइएगा, बहुत स्लो चलेगा। फिर चलिए मान लीजिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी मेहनत कर दिया, जैसे मैंने बताया कि जियो फाइबर अब ऑप्टिकल आपके घर तक ले आ रहा है और वो कोशिश करेगा कि हर जगह वो ऑप्टिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्टर रखे ताकि लेटेंसी बहुत अच्छी रहे, तो उसके बाद भी समस्या ये आ जाता ना कि ये फ़ायदेमंद है कि नहीं। जैसे आपको एक आइडिया देना चाहिए, जैसे मैंने आपको लाइनस स्टेटिक्स के बारे में बताया था कि उन्होंने अपना एक छोटा सा सर्वर रखा तो 22-23 लाख रुपया उनको लग गया, मतलब उससे भी ज़्यादा लगा, मतलब कोई एक दो डेढ़ दो करोड़ का चीज़ है, लेकिन उनसे मतलब समझिए इतना प्रॉफिट बना रहे थे कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल रह गया, वो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट हो गया। आप अगर ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ या यूट्यूब में, आप चाहते हो कि यार हम क्लाउड में एडिटिंग करें और लोग कह रहे हैं कि भैया मतलब आपको डेमो दिखा देंगे, तो आप डाल के देखें वीडियो फुटेज, आपका रेंडरिंग में मान लीजिए 2 घंटा लगता था, ऐसे वहाँ फुटेज अपलोड हुआ उसके बाद वो 5 मिनट के अंदर कर देता है प्रोसेस, उसके बाद वापस दे देता है, तो आप तो बोले यार वही करना चाहिए। तो क्या आपके पास इंटरनेट का पैसा है प्लस वो सर्विस का पैसा जो आपको ये देगा सर्विस, क्योंकि आप याद रखिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा दे देने से आपको क्लाउड नहीं मिल जा रहा है, इससे आपको क्लाउड का एक्सेस मिल रहा है। क्लाउड में यानी जो कंप्यूटेशन करेगा वो भी तो प्रॉफिट आपसे लेगा, नहीं तो वो करेगा क्यों? तो वो गूगल तो आपको फ्री में दे देता है, लेकिन हाई एंड के सर्विस है जिसमें वीडियो रेंडरिंग हुआ या मतलब रेंडर फार्म जिसको कहते हैं, वो सब अगर चाहिए तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो कुछ कुछ तो सस्ते होते हैं जो $30-40 प्रति महीना लेते हैं, कुछ कुछ बहुत महंगे होते हैं। महंगे वाला एकदम तुरंत, मतलब वीडियो फुटेज अपलोड हुआ तुरंत प्रोसेस हो जाता है, वो इतना अच्छा रहता है। तो आप समझिए आपको पर मंथ आपको इंटरनेट का पैसा देना पड़ेगा, पर मंथ आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा देना पड़ेगा प्लस, और आपका अगर नेट गया तो आप गए, तो सब मिला के ये उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। जैसे कि मैं यह प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ, ये खुद भी प्रेजी करके एक प्रेजेंट, मैं इसका सॉफ्टवेयर मेरे घर में नहीं है, ये कंप्यूटर क्लाउड में है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये इस तरह का प्रेजेंटेशन जो मैं बना रहा हूँ ये भी मैं क्लाउड में ही बना रहा हूँ और मुझे सिर्फ दिखाना है, क्योंकि ये लो लेटेंसी टास्क है, मतलब मुझे कीबोर्ड दबाऊंगा शिफ्ट होगा कोई टेंशन नहीं है, और ये लोकल मेमोरी में डंप कर देता है सारा चीज़। तो अब समझिए कि हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्लाउड 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 लगभग 99% चीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ के लिए अच्छा नहीं है, खास करके हैवी टास्क के लिए। हैवी टास्क के लिए अभी भी आपका खुद का कंप्यूटर एक तगड़ा i7 या i9 ले लेना, या बहुत पैसा है तो AMD Threadripper ले लेना और आप उसके बाद खुश रहिएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको देखने मतलब कुछ सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं हुए कोई बात नहीं आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए, मैं हर कमेंट पर जवाब देता हूँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजा दीजिए अगर आप फ्री हैं। आपने मेरा ये वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।